गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 201 जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था शेयर स्ट्रेसेस पे। यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि दो पार्ट में हम इसे कवर करेंगे, तो शियर स्ट्रेसेस पार्ट वन हमने उस दिन कवर कर लिया था और आज हम लोग कवर करेंगे शियर स्ट्रेसेस पार्ट टू। इसके अंदर जो आज का लेक्चर है, मेन हमारे जो टॉपिक्स हैं वो दो है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेन। दो ही टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसमें भी हम मेन जो फोकस करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शियर स्ट्रेसेस पार्ट टू। लेट मी टेक पॉइंटर आ गया। हाँ, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। नाम से देखिए समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री जनरली देखिए क्या होता है कि दो जोड़े को बोलते हैं एक तरह से। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही उस तरह से होता है कि जोड़े में, लाइक एक कुछ चीज है तो कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ एक दूसरी चीज भी है, इस चीज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, शेयर स्ट्रेसेस। तो वही चीज होगी कि अगर कोई पे शेयर स्ट्रेस लग रही है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी लग रही होगी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया है, एक ब्लॉक लिया है हमने, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमने कंसिडर किया है ABCD, जो कि आपको दिख रहा है फिगर में, ABCD। अब इस ब्लॉक में आप देखिए केवल आपको क्या देखना है कि सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस टाउ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन एज डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग फिगर इज अप्लाइड ओवर द अपोजिट सर्फेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक AB एंड CD। AB और CD, केवल ये वाला टाउ देखना है। अभी आप ये जो एक्स्ट्रा में लगा हुआ है टाउ डैश, इसे आप भूल जाइए कि ये कुछ नहीं है। केवल क्या हो रहा है कि AB फोर्स पे एक टाउ लग रहा है इधर लेफ्ट साइड की तरफ और CD पे लग रहा है इधर राइट साइड की तरफ, ये हमें अभी दिखा रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस ब्लॉक पे क्या है कंडीशंस। देखिए अब क्या है कि फोर्स की जहां बात करते हैं, अगर हम फोर्स बैलेंस करेंगे हॉरिजेंटल में, तो ये जो फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखिए आप, ये जो फोर्स है ये इसको एक कपल की तरह लग रहे हैं ये फोर्स। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये इसको इधर ले जाना चाह रहा है लेफ्ट में, ये इसको राइट में ले जाना चाह रहा है। तो टोटल मिला के ये एक यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं। ये क्लॉकवाइज कपल की वजह से क्या होगा, ये बॉडी आपका टोपल करेगी, लाइक आपका मूव करने टर्न करने की कोशिश करेगी। तो ये यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपके इस बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्या बॉडी इसके थ्रू बैलेंस रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक अपोजिट साइड में कपल लगाएंगे। अब अपोजिट साइड में कपल लगाने के लिए हमें वही अपोजिट एक शियर स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। तो वो शियर स्ट्रेस कैसे लगेंगी, BC पे और DA पे, उसे हम लोग नाम देंगे टाउ डैश। तो इसीलिए ये शियर स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज मैं और अच्छे से आपको, जैसा कि हम लोगों ने रिटन कर रखा है उसमें, हम लोग समझेंगे। सो नाउ इफ वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस टाउ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, वी कैन इजिली से दैट देयर विल बी जीरो नेट फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, एक्टिंग ओवर द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, बट देयर विल बी वन कपल एक्टिंग ओवर द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, अब वही, इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेक्टेंगुलर ब्लॉक देयर मस्ट बी वन मोर कपल ऑफ सिमिलर इंटेंसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कपल बिल्कुल सिमिलर इंटेंसिटी का ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा उसको। एक्टिंग ओवर द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी अपोजिट डायरेक्शन, वो क्लॉकवाइज में लग रहा है तो उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में वो लगेगा। देयरफॉर देयर विल बी वन मोर सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस। अब वो कपल आएगा कहां से, शियर स्ट्रेस का कपल होगा वहीं से तो जनरेट होगा वो, तो एक और सेट शियर स्ट्रेसेस का लगेगा सेम इंटेंसिटी का,
और वो कहाँ पे लगेगा, जो दोनों सरफेस बची हुई है उन पे ही लगेगा, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस विल बी टर्म्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, बिकॉज एक शियर स्ट्रेसेस पहले से थी, अब उसके चक्कर में वो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस वहां पे रहेगी, तभी वो चीज बैलेंस रहेगी। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया है हमने, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का, सॉरी। Therefore, we can say that the according to the principle of complementary shear stress, क्या कहता है ये principle? A set of shear stresses acting across a plane will always be important term है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा होगा, accompanied by a set of balancing shear stresses of similar intensity across the plane and acting normal to it. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट हुई है और क्या प्रिंसिपल ये आपका कह रहा है। फिर भी इस चीज को हम लोग एक प्रूफ है इसका, देखिए डेराइव करते हैं हम लोग इसको, प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो आप देख लीजिए, कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए हम लोग ये प्रूफ देख रहे हैं। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर द थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो ब्लॉक लिया था उसकी थिकनेस हमने पेपर के अंदर हमने क्या है नॉर्मल टू द प्लेन यूनिटी कंसीडर करी है, जो वन कंसीडर कर ली है, और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द अप्लाइड सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस इज टाउ एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस टाउ डैश। जो ऑरिजिनल है अप्लाइड है वो तो टाउ है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसका क्या है टाउ डैश है, ये हम देख ही चुके हैं। इसके बाद अब देखिए, अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं, लेट अस डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ए बी एंड सी डी। ए बी फोर्स ये सरफेस ये रही और सी डी फोर्स ये रही सरफेस, तो इस पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ए बी वो क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस कितनी टाउ लग रही है हमें पता है, एरिया देखिए क्या होगा, अब एरिया इसका ये वाली इसकी लेंथ और इसकी पीछे की जो विड्थ होगी तो वो हमने वन कंसीडर करी है, तो टाउ इंटू ए बी। इसी तरह से अब ये डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट है, टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा। सिमिलरली हम लोग बात करें फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस सी डी, तो वो क्या रहेगा टाउ इंटू सी डी, और लेकिन वो रहेगा टूवर्ड्स राइट। अब एज दीज टू फोर्सेस टाउ इंटू ए बी एंड टाउ इंटू सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर फोर दीज टू फोर्सेज विल डेवलप वन कपल। वही बात हो गई कि ये दोनों जो फोर्सेज हैं वो क्या है कपल बनाएंगे। अब उस कपल की बात कर लेते हैं कि कपल कैसे जनरेट होगा, तो कपल डेवलप बाय द सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेज इज, तो वो कैसे लिखेंगे कि शियर स्ट्रेस इंटू ए बी, सॉरी ये टोटल फोर्स और ये डिस्टेंस उसकी बी सी, दोनों के बीच की कपल की डिस्टेंस वो बी सी आएगी यहाँ पे। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सिमिलरली जो कपल हमने कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस की वजह से लगेगा उसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, टाउ इंटू बी सी, और यहाँ पे भी डिस्टेंस वही रहेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेक्टेंगुलर ब्लॉक कपल डेवलप बाय द अप्लाइड सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस मस्ट बी इक्वल। अब कपल तो इक्वल हो ही चाहिए, तो दोनों कपल को इक्वल कर दिया हमने, देखिए ए बी यहाँ पे सेम है बी सी यहाँ पे सेम है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया कि टाउ जो होगा वो टाउ डैश के बराबर होगा। इससे ये प्रूफ हो चुका है कि वो जो शियर स्ट्रेस बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री वो सेम इंटेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड की ही बनेगी, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। तो यह आप ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जब भी लगती हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की लगती हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन होती है उनकी। देयर फोर वी कैन से फ्रॉम द अबोव इक्वेशन दैट इज सेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस एक्टिंग अक्रॉस ए प्लेन विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय सेट ऑफ बैलेंसिंग शियर स्ट्रेसेस और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस ऑफ सिमिलर इंटेंसिटी अक्रॉस द प्लेन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें टॉपिक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिर भी किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, शियर स्ट्रेन। देखिए शियर स्ट्रेन क्या होता है, अब तक हमने देखा था जो नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देखा, लेटरल स्ट्रेन के बारे में देखा। तो शियर स्ट्रेन जस्ट कुछ भी नहीं है, वही चीज है, लेकिन ये शियर स्ट्रेसेस की वजह से जनरेट होता है।
तो इज इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डिफॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वही लिखते थे हम लोग डेल्टा एल बाय एल, वही चीज है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर ड्यू टू शियर स्ट्रेसेस, बट यहां पे जो होगा वो शियर स्ट्रेसेस की वजह से होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए गामा से इसको डिनोट करते हैं, टाउ अपॉन जी इसको लिखते हैं, टाउ क्या है शियर स्ट्रेस और जी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, यहाँ पे वही चीजें आपको सब बता रखी है। अब कोई भी अगर वैल्यू वगैरह अगर निकालनी हो तो दोनों तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास इनकी वैल्यूज है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे चेंज इन डिफॉर्मेशन और ओरिजिनल लेंथ अगर हमारे पास हो तो वहां से भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा शियर स्ट्रेन, और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है शियर स्ट्रेसेस 1.7 ये हम फिनिश करते हैं, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें, और जो नहीं भी होती हैं कोई चीज़ें तो हम लोग डाउट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।